हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन की सहायता से ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैं आप लोग को ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग और फेस को बढ़िया तरीके से स्मूथ करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वाले वीडियो को आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले इस सिंपल पिक को हम लोग शेयर कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, ये वाला पिक मैं बस स्नैपसीड एप्लीकेशन में ही एडिट किया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन में यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद आप लोग को सबसे पहले टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नीचे देख लीजिए। तो उसके बाद आप लोग को हीलिंग वाला ऑप्शन ले लीजिएगा फ्रेंड्स, बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले हीलिंग को बढ़िया तरीके से यहाँ से बॉडी पे कर लेना है। तो इसको बॉडी पे यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से बॉडी पे कर लिए हैं, तो उसके बाद यहाँ से नीचे डन कर देंगे। तो डन करने वाला आप लोग को फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से फिर से टूल्स पे जाना है फ्रेंड्स आप लोग को। तो नीचे देख ले, टूल्स पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे देख ले, लेंस ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद इस सर्कल को आप लोग को छोटा कर लेना है इस तरह से। इसका ट्रांजिशन आपको 0 और विजनेट भी 0, और इसका फ्रेंड ब्लर स्ट्रेंथ 100 पे रखिएगा आप लोग, 100 पे रख दीजिएगा, 100 पे कर देना आप लोग को। तो उसके बाद आप लोग को सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से टूल्स से जाना है, नीचे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, टूल्स से जाने के बाद आप लोग को डबल एक्सपोजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे देख लीजिए। तो डबल एक्सपोजर पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, उस पर देख लीजिए, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस का यहाँ देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना हो। जिस भी गैलरी में आपका पिक होगा वहाँ से आप लोग उसको ले लीजिएगा, वही पिक लेना जो सबसे पहले ऐड किए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे देख लीजिए, यहाँ से आप लोग को ऑपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप लोग को फुल कर देना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से फुल कर दिए हैं। तो उसके बाद आप लोग को नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर देख लीजिए, उस वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ऊपर जाने के बाद आप लोग को बी एडिट से क्लिक कर देना है। तो बी एडिट से क्लिक करने के बाद आप लोग को डबल एक्सपोजर पर फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। उसके बाद तो डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने में आप लोग को ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ब्रश पे क्लिक करने में आप लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, इसको 100 पे ही रख लीजिएगा और बॉडी पे कुछ इस तरीके से आप लोग को इरेज कर लेना है इसको, ब्लर वाले को। तो यहाँ से आप लोग बढ़िया तरीके से इरेज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहां से इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग नीचे देख लीजिए, इसको 0 कर लेना आप लोग को, देख लीजिए 0 कर लीजिएगा आप लोग। तो इसको 0 करने के बाद जूम करके फ्रेंड्स आप लोग को बढ़िया तरीके से आप लोग को कुछ इस तरीके से ब्लर करना है फ्रेंड्स, जल्दीबाजी मत करिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ इस टाइप से ब्लर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बिल्कुल न्यू ट्रिक है फ्रेंड्स ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहां से बैकग्राउंड को ब्लर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से ब्लर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग को फिर से फ्रेंड टूल्स यहाँ सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप लोग को फिर से फ्रेंड्स, आप लोग को नीचे देख ले, टूल्स लिखा है, तो फिर से आप लोग को टूल्स पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन दिखेगा, आप देख लीजिए। तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग को डार्क वाला ही लेना है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग डार्क को ही लेंगे, यहाँ से आप लोग कोई भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग डार्क का ही लेंगे और इसका फ्रेंड्स हम लोग कंट्रास्ट घटा बढ़ा कर देख लें। तो आप लोग को फ्रेंड्स +20 तक रखना है और ब्राइटनेस भी फ्रेंड्स आप लोग को -20 तक रखना है। और यहाँ से देख लीजिए इसको, इसके बाद इसको सेव कर लेना आप लोग को। तो फ्रेंड्स, सेव करने के बाद आप लोग को फिर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग बी एडिट पे क्लिक कर देना है। तो बी एडिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग को ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर दीजिएगा
उस पर क्लिक करना, मतलब आप लोग को ब्रश वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो ब्रश पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, आप लोग को नीचे देख लीजिए, यहाँ पे कोने में यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का हो जाएगा। तो आप लोग को फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन को आप लोग को जीरो कर लेना है, जीरो। तो फ्रेंड्स इसको जीरो करने के बाद आप लोग को बस फेस पे करना है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड पे आप लोग को नहीं करना है, तो आप लोग का बैकग्राउंड पहले जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बस फेस पे करिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग फेस को क्लीन करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स सेव कर लेते हैं उसको, फ्रेंड्स सेव। फ्रेंड्स हम लोग टूल्स पे जाएंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स आप लोग टूल्स पे जाना है, उसको सिलेक्टिव को ले लीजिएगा फेस को गोरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग सिलेक्टिव को ले लिए हैं, तो उसका फ्रेंड्स जहाँ ब्लैक होगा आपका फेस, वहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग एडजस्ट कर लेना है। और इसका ब्राइटनेस अपने फेस के हिसाब से बढ़ाइएगा जितना आप लोग को अच्छा लगेगा, और इसका सेचुरेशन आप लोग अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा करके आप लोग अपने फेस पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग यहाँ से हो गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से टूल्स पे जाएंगे, और फ्रेंड्स फेस पे हल्का सा पिंक करने के लिए आप लोग को वाइट बैलेंस पे क्लिक कर देना है। और इसका फ्रेंड्स आप लोग टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे +4 तक, और इसका टिंट आप लोग घटा बढ़ा कर चेक कर सकते हैं। तो हम लोग वो जीरो ही रहने देंगे। तो उसके बाद इसको हम लोग यहाँ सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग डन कर देंगे यहाँ से, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, हम फिर से टूल्स से जाएंगे और इस सेलेक्टिव को ले लेंगे। और फ्रेंड टी शर्ट पे आप लोग को रख लेना है इसका डिटेल बढ़ाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर आप लोग को फुल कर देना है, और ब्राइटनेस हल्का सा और कंट्रास्ट भी हल्का सा घटा बढ़ा के चेक कर लीजिएगा। तो सर फ्रेंड्स आप लोग के यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर से जाकर आप लोग को डन कर देना है। तो फ्रेंड्स हम लोग डन कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फेस को स्मूथ करने के लिए ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं सभी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से ऑटोडेस्क में ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑटोडेस्क में यहाँ से ओपन कर लिए हैं, तो उसके बाद आप लोग को उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए स्मज लिखा है, आप लोग को इसी वाले ब्रश में आना है, और आप लोग को ये वाला ब्रश ले लेना है। तो इस वाले ब्रश को लेने के बाद आप लोग इसका सेटिंग ऊपर देख लीजिएगा, और इसका फ्लो आप लोग को 5 पे ही रखना है, और स्ट्रेंथ आप लोग को 9 पर ही रखना है फ्रेंड्स आप लोग को। तो यहाँ से अपने ब्रश का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से फेस को जूम कर लीजिएगा, और आप लोग को नीचे देख लीजिए इस वाले ऑप्शन पे फ्रेंड्स आप लोग को क्लिक कर देना है, और यहाँ से लेफ्ट या राइट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका ब्रश का साइज घटेगा बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को ब्रश का साइज घटा कर बढ़ा कर चेक कर लीजिएगा, अपने फेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग बढ़िया तरीके से फेस को स्मूथ करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा फ्रेंड्स आप लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को फास्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स हम लोग फेस को यहाँ से स्मूथ कर लें, तो फ्रेंड्स हम लोग के फेस पे यहाँ से अभी चमक नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेव करने के बाद हम लोग फिर से इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन में यहाँ से ओपन कर लेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को फिर से टूल्स पे जाना है, और टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग सेलेक्टिव को ले लीजिएगा फेस को गोरा करने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ से सेलेक्टिव को लेने के बाद जहाँ ब्लैक होगा वहाँ पर आप लोग रख लीजिएगा, और इसका सेचुरेशन थोड़ा सा कम करिएगा, और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, ब्राइटनेस को थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइएगा, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेते हैं। आप लोग भी अपने पिक को स्ट्रक्चर को आप लोग कम ही रखिएगा फ्रेंड्स, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से डन कर लेते हैं अपने इस पिक को।